तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वाईटी चैनल हेयर। तो अगर आप यहाँ पे रेडमी 10 प्राइम के यूज़र हैं तो आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है रेडमी 10 प्राइम से रिलेटेड। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि रेडमी 10 प्राइम इंडिया में MIUI 13, Android 12 कौन से मंथ और कौन सी डेट तक हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है। तो आज मैं आपको Redmi 10 Prime MIUI 13 की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ और Android 12 के अपडेट की भी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा अभी तक YT चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास Redmi 10 ग्लोबल स्टेबल में एक न्यू अपडेट रिलीज़ हो चुका है, MIUI 13.0.1.0 Android 12 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट। तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि इस अपडेट का आपको साइज़ यहाँ पर कितना देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इस स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं कि इसमें MIUI 13.0.1.0 SKU MIXM, तो अब यहाँ पे RKU MIXM की जगह SKU MIXM लिखा हुआ आ चुका है और इस अपडेट का साइज़ आपको 2.5 GB का देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे RKU MIXM की जगह SKU MIXM इसलिए लिखा गया है क्योंकि Redmi 10 Prime ग्लोबल में Android 11 के साथ MIUI 12.5 एनहेंस का अपडेट मिलता था और Android 11 को वो R से डिनोट यहाँ पे करते थे। तो अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे R की जगह S कर दिया है, यानी कि ये अपडेट यहाँ पे MIUI 13 और Android 12 पर बेस्ड हमें देखने के लिए मिल जाता है और इसलिए इस अपडेट का साइज़ हमें यहाँ पर 2.5 GB का देखने के लिए मिल जाता है। और जब इसके चेंज लॉक की बात करें तो हमें इसमें चेंज लॉक वही देखने के लिए मिलता है, ऑप्टिमाइज सिस्टम परफॉर्मेंस, इम्प्रूव सिस्टम सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, यहाँ पर हमें कोई भी चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो अब मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि हमें इसमें कौन से मंथ का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो हम जब इस अपडेट को अपडेटेड कर लेते हैं तो हमें इसमें जनवरी मंथ का सिक्योरिटी पैच यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है Redmi 10 MIUI 13.0.1.0 SKU MIXM और इसका Android वर्ज़न यहाँ पे 11 से 12 में शिफ्ट हो चुका है। और इसके साथ इस अपडेट्स के डाउनलोड लिंक्स भी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो चुके हैं। आप यहां पे देख रहे हैं Redmi 10 13.0.1.0 Android 12 और इस अपडेट की रिकवरी रोम मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो चुकी है। तो अगर आपके Redmi 10 Prime इंडिया में कस्टम रिकवरी है तो फिर आप इस अपडेट को डाउनलोड लिंक से कस्टम रिकवरी से फ्लैश करके अपने Redmi 10 Prime में यूज़ कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये अपडेट इंडिया में कौन से मंथ में रिलीज़ किया जाएगा। तो ये अपडेट हमें ग्लोबल स्टेबल में 7 फरवरी को यहाँ पर देखने के लिए मिला था और अभी के लिए ये अपडेट केवल MI पायरेट्स में ही यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। तो इस अपडेट को सबसे पहले आपको पब्लिक में आने का वेट करना है और जब ये अपडेट यहाँ पे पब्लिक में आ जाएगा तो उसके बाद ये अपडेट हमें Redmi 10 Prime इंडिया में भी देखने के लिए मिल जाएगा 13.0.1.0 SKU INXM में। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की पूरी वीडियो Redmi 10 Prime से रिलेटेड कि यहाँ पे Redmi 10 ग्लोबल में फाइनली MIUI 13 का अपडेट और Android 12 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट रिलीज़ हो चुका है और अब ये अपडेट इंडिया में भी हमें होपफुली मार्च के महीने तक देखने के लिए मिल जाएगा। तो यही थी आज की वीडियो Redmi 10 Prime से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।